वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन से एबल्टन के ऊपर ट्यूटोरियल दिया नहीं है, इसीलिए आज ऐसा ट्यूटोरियल देने के लिए हम जा रहा है। आप थोड़ा देखिएगा तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा हाँ इसका इतना मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो ट्यूटोरियल का मेन जो थिंग्स है तो वो है, हम लोग एक वेब फाइल को ले आएंगे, वो ढोलक तबला का कोई भी एक हो सकता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीडी में। मीडी में कन्वर्ट करके वो कन्वर्टेड फाइल में हम लोग थोड़ा उसका ड्राम पंच करेंगे। तो इस टाइप का है। बाय डिफॉल्ट एबल्टन में मीडी दो मीडी ट्रैक और दो ऑडियो ट्रैक खुलता है, ये तो आप लोग जानते ही है, बहुत सारे ट्यूटोरियल हम दिए हैं। तो इधर से हम लोग एक मीडी को ढोलक को ले आते हैं। तो ढोलक मान लीजिए कोई भी एक ढोलक को हम इसको ड्रैग करके इसके अंदर दे दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बजाएंगे तो बज रहा है, जो टेम्पो में जाएगा तो 90 में है और 90 में बज रहा है। तो ये इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट प्रोसेस जो होता है और कन्वर्टिंग किस लिए लगता है, मान लीजिए आपका पास एक ढोलक है, ढोलक सैंपल्स है, तो वो सैंपल्स को आप पिचिंग करना चाहते हो। मतलब पिचिंग का मतलब क्या है, वो हम लोग अगर इसको पिच करेंगे तो इसमें क्या होगा, पूरा कम्प्लीटली एक मिक्स का ऊपर पिचिंग होगा। मतलब इसको स्केल हम लोग अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, इसको मतलब पूरा एक साथ चलेगा। इधर से हम लोग पिचिंग कर सकते हैं, ये ट्रांसपोज करके हम लोग पिच चेंज कर सकते हैं। तो ये तो होता ही है, मगर एक एक इंस्ट्रूमेंट इसमें जितना सारा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है अभी, इसको थोड़ा इंडिविजुअल हम लोगों को मिलेगा तो बहुत आसानी से हम लोग ये कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसका ऊपर मतलब ढोलक के साथ हम लोग अलग करके कोई ड्राम लगाएंगे, नहीं तो जिसका पास मान लीजिए VST है ढोलक तबला का, जो वन शॉट सैंपल्स VST होता है, तो उसको लगा के दूसरा ट्यून में हम लोग डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो इसके लिए हम ये ट्यूटोरियल दे रहा है। तो देखिए ये ढोलक तबला जो है, ढोलक बोल के जो 90 बोल के लिखा है, इसमें हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो इधर आ जाइए। तीनों पार्ट है इसमें, एक पार्ट है कन्वर्ट हारमोनी टू न्यू मिडी ट्रैक, कन्वर्ट हारमोनी टू न्यू मिडी ट्रैक, यह है कन्वर्ट मेलोडी टू न्यू मिडी ट्रैक, और यह है कन्वर्ट ड्राम टू न्यू मिडी ट्रैक। तो ये तीनों अलग अलग है क्या बेसिकली, तो हम पेंट में लिखते दिखाते हैं आप लोगों को, सॉरी पेंट में मान लीजिए कन्वर्ट हारमोनी, हारमोनी क्या होता है, मान लीजिए ये सा चल रहा है तो उसका साथ साथ सेम रेंज में गा भी चल रहा है, तो इसको हारमोनी बोलता है। तो ये रूट है, ये फर्स्ट इन्वर्शन है, और थर्ड इन्वर्शन सेकेंड इन्वर्शन जो है तो ये है फिफ्थ हारमोनी, इसमें चलता है। तो ऐसा टाइप का हारमोनी होता है, तो ये हारमोनी में कन्वर्ट होगा, और दूसरा जो है डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मीडी में। मतलब जो ऑडियो है तो वही ऑडियो मीडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और तीसरा जो है ये थर्ड जो दिए है इसको हम लोग राइट क्लिक करके देखते हैं, मेलोडी टू मेलोडी कन्वर्ट ड्राम टू न्यूट्रल। मतलब ये अगर ड्राम होगा, ये तो अभी ढोलक का है, अगर ये ड्राम होगा, ड्राम का सैंपल्स को आप कन्वर्ट करके उसको दूसरा किट में लगा सकते हैं, तो ठीक है। इसको हम लोग राइट क्लिक करके हम लोग सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं, कन्वर्ट मेलोडी टू न्यू मिडी ट्रैक, तो इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो नीचे का भी कर सकते हैं। तो हम लोग मिडिल का करते हैं, उसका ये अभी कन्वर्ट कर रहा है इसको, मतलब ऑडियो फाइल को कन्वर्ट करके मिडी में ले आ रहा है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को काम में लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखिए कन्वर्ट हो गया है, और ये जो ट्रैक है मतलब ये जो फाइल्स बना है ये मिडी में बन गया है। तो इसको थोड़ा हम लोग जूम करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, मतलब इसको देखते कौन सा ट्रैक मतलब कौन सा नोट इसमें आया है। इसको सॉरी हम अंडू कर देते हैं, इसको ये थोड़ा बढ़ गया है, सॉरी। जो हम लोग की है इसका मिडी नोट हम लोग देख पा रहे हैं, और इसको चला के भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। डिफॉल्ट एक नोट लिए है इसका, इंस्ट्रूमेंट में डिफॉल्ट एक नोट लिया है। नॉर्मली ये क्या है, ये ढोलक था, ये ढोलक कन्वर्ट होकर ऐसा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरा किट लगा लेंगे,
909 किट लगा देंगे इसके अंदर। तो ये 909 किट जब लग जाएगा तो उसका मिडी नोट जो जो आएगा, मतलब जो जो मिडी नोट रहेगा, तो उसका नोट के हिसाब से बजेगा। ठीक से सही नहीं बज रहा है, मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करके जो जो जगह पर ये टॉम्स हाई हेट होना चाहिए वो जगह पर लगाना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, और इसको राइट क्लिक करके हम लोग इसको क्वांटाइज कर सकते हैं, इसको डीएक्टिव कर सकते हैं, इसको ग्रुप में कर सकते हैं, इसको लूप में कर सकते हैं, इसको जूम टू क्लिप सिलेक्शन कर सकते हैं, ड्रॉ मोड कर सकते हैं। मतलब इसमें पूरा ढोलक का जो अलग अलग पार्ट था पूरा अलग हो गया, मतलब ये पूरा एक एक करके वो मिडी में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए 808 किट लगाया है, पूरा सिग में बज रहा है। एकदम सिग में चल रहा है। तो इसको हम लोग इसका करने का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जब हम लोग करते हैं किस लिए करते हैं, मान लीजिए हमारा पास प्लग साउंड है, शॉर्ट प्लग है, तो शॉर्ट प्लग का ढोलक को अगर हम लोग दिखा देंगे इसको और नोट को दिखा देंगे, मतलब जो जो नोट में वो बज रहा है वो अगर हम लोग दिखा देंगे, तो उसमें हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करके ढोलक का कौन सा टाइप पैटर्न तो हम लोगों को मिल गया, मतलब ढोलक पैटर्न हैंड में करने का, मतलब पेंसिल लगा के ढोलक पैटर्न बजाने का तरीका बहुत टफ है पेंसिल लगा के। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक ढोलक पैटर्न का कन्वर्ट करके दूसरा ट्यून में हम लोग ढोलक पैटर्न बना सकते हैं, और नहीं तो इधर से कोई भी उठा भी सकते हैं, इसको उठा के दूसरा नोट में हम लोग डाल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये तो हम ड्रम में दिखा रहा है, ये अगर कोई भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट में होगा तो उसमें बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देख ये टॉम्स में है, किक में है नहीं, किक किधर है, इधर हम लोग किक भी लगा सकते हैं पेंसिल लगा के। चार कीक लगा देते हैं, चल रहा है। तो ऐसा करके हम लोग इसको थोड़ा मान लीजिए इफेक्ट डाल के, कंप्रेशर डाल के इसका जो लो लेवल कीक जो है बहुत अच्छा बजेगा, तो इसका साथ हम लोग ढोलक को पंच कर सकते हैं, मतलब वही पैटर्न बज रहा है, मतलब दूसरा टोन में बज रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोग कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और इसका बाकी दो जो है ना, मतलब हारमोनी कैसे कन्वर्ट करते हैं, हारमोनी को हम लोग देखेंगे, कोई वोकल के ऊपर, कोई मेलोडी के ऊपर हारमोनी करके बहुत सारा वोकल के ऊपर VSTs होता है, उसका दूसरा वोकल लगा देंगे वो पूरा परफेक्टली जाएगा उसका साथ साथ, सिंगर को दूसरा पर हारमोनी नोट गाना नहीं पड़ेगा, मतलब जो सिंगर मेन रूट नोट में गाया है तो उसको हम लोग हारमोनी कर देंगे, हारमोनी करके उसको दूसरा VST इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे जिसमें वोकल है, मान लीजिए बहुत सारा VST है, वोकलॉइड बोल के होता है, ईस्ट वेस्ट का होता है, और बहुत सारा कॉन्टैक्ट का होता है, तो उसमें वोकल का ट्यून्स होता है, तो ट्यून्स अगर हम लोग लगा देंगे तो इतना अच्छा क्वालिटी बनेगा, आप लोग को लगेगा कोई आर्टिस्ट ने गाया है, इस टाइप का लगेगा। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग थोड़ा इसको टेस्ट करके देखिए क्या हो रहा है, और सही तरीके से आप लोग काम कर रहा है, कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तो इसके ऊपर देख लीजिए। बाकी दो का जो है उसका हारमोनी और उसका जो ड्रम हम लोग कन्वर्ट करके दिखाएंगे, और बहुत अच्छा तरीके से दूसरा किट लगाएंगे, किट लगा के काम करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लगा है।